जो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है, द इंडस्ट्री ऑफ प्रेशर इज अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म. इंडस्ट्री ऑफ प्रेशर जो है वो इसमें यूनिफॉर्म है, बट हमारे पास जो ओल्ड क्लचेस हैं हम उसमें ज्यादातर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज करते हैं. मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है जो हमारे पास है वो हाई फ्रिक्शन टॉर्क है. देन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, इन दोनों की इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो 33% आता है कि इसमें टॉर्क ज्यादा होती है इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी. तो हम क्या करते हैं, हम फ्रिक्शन क्लचेस में हम ज्यादातर यूनिफॉर्म वियर शुड बी कंसिडर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. जब तक हमें कोई दिया ना हो हम ज्यादातर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ही यूज करते हैं, और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ज्यादातर हम बियरिंग्स वगैरह में यूज करते हैं. देन हमारे पास है मल्टीपल डिस्क क्लचेस. सिंगल डिस्क क्लच का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जहाँ एक प्लेट हो डेट इज द सिंगल डिस्क क्लच. जहाँ हमें मल्टीपल डिस्क क्लचेस यूज हो रहे हो, मल्टीपल डिस्क प्लेट्स हों, तो वो होगा हमारे पास मल्टीपल. ये आपके पास है ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक है. ड्राइविंग शाफ्ट पे हमारे पास फ्लाई व्हील फिक्स है, और ये हमारे पास ये देखो 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास 4 नंबर ऑफ डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट, नंबर ऑफ डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे पास जो ड्रिवन शाफ्ट है ऑन द डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट और नंबर ऑफ डिस्क ऑन द, यानी कि हमारे पास डिस्क ड्राइविंग शाफ्ट पे कितनी डिस्क आ रही है और ड्रिवन शाफ्ट पे हमारे पास कितनी डिस्क आ रही है, ये उनको शो ऑफ करें. हमारे पास ये क्लचेस हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स हमने यहाँ इंक्रीज कर दिया, डेट इज वाई वी कॉल दिस मल्टीपल डिस्क क्लच. और हम उन्हीं को ले लिया एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, और टी हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू, ये हमारा टॉर्क फार्मूला है, और मीन रेडियस का मल्टीपल डिस्क क्लच से हमने यूनिफॉर्म प्रेशर एंड फॉर्म यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, हमारे पास ये आता है फार्मूला. देन वी हैव कोन क्लच. कोन क्लच क्या होता है, कोन क्लच में हमारे पास, कोन क्लच हमारे पास ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज होता है. ये कोन क्लच का डिटेल ये हमारे पास आप यहाँ से अगर देखें तो ये आपके पास, अगर आप इधर से देखें तो कोन में क्लच में ये हमारे पास ऊपर जो है ये वाला, ये इसको हम फीमेल कोन कहेंगे, और ये वाला जो इनसाइड पार्ट है डेट इज द मेल कोन. हमारे पास क्या है, यहाँ फ्लाई व्हील को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाते हैं, यानी कि ये देखो कोन की शेप होता है कि वजह से फीमेल कोन का टेढ़ा करके लेते हैं, या स्प्रिंग की वजह से फीमेल कोन मेल कोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या जहाँ स्प्रिंग की वजह से, ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है नंबर 4 पर स्प्रिंग लगा हुआ है, ये फीमेल कोन जो है वो मेल कोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जैसे ही पैडल दबाते हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, जैसे ही हम लोग पैडल को प्रेस करेंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे. फीमेल कोन जो है हमारा वो घूमता रहेगा और मेल कोन जो है वो नहीं घूमेगा. हमारा जो फीमेल कोन है वो हमारा घूमता रहेगा क्योंकि वो फ्लाई व्हील के साथ अटैच होगा, और जो हमारा मेल कोन है वो हमारा नहीं घूमेगा पैडल प्रेस करने की वजह से. तो हमारा फीमेल कोन जो है फ्लाई व्हील के साथ अटैच होने की वजह से वो घूमता रहेगा और मेल कोन हमारे साथ नहीं घूमेगा. जैसे हम पैडल प्रेस करेंगे ये दोनों अलग हो जाएंगे. इसमें फ्रिक्शन सरफेस रखी गई है ऊपर जो है हमारे पास, यहाँ देखें यहाँ हमारे पास फ्रिक्शन सर्फिस रखी हुई है. ये देखो कोनिकल फ्रिक्शन सर्फिस नजर आ रही है आप लोगों को, कोनिकल फ्रिक्शन सर्फिस एट दिस पॉइंट, ताकि हम लोग, हमने यहाँ कोनिकल फ्रिक्शन सरफेस रखी है ताकि हमारे पास ये दोनों अटैच रहें, और ये देखिए ये हमारे पास कोनिकल फ्रिक्शन सरफेस है. इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस ओनली इन अ कोन क्लच द ड्राइवर इज क्लीव टू द ड्राइविंग शाफ्ट बाय सम की. हमारे पास यहाँ ड्राइविंग शाफ्ट है वो ड्रिवन ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो ड्राइविंग ड्राइवर इज क्लीव टू द ड्राइविंग शाफ्ट by sun key and inside conical surface are cone clutch the driver key to the driving shaft by sun key. ये sun key की मदद से driving shaft जो है वो conical इस surface पे लगी हुई है with the help of sun key. The driven member resisting on the face which exactly fit into the on side. ये हमारे पास जो driven member है ये हमारे पास अलग surface है, ये foreign fit हो जाता है male surface, male ये female cone है, outer cone जो है that is female cone, और जो inner है driven surface ये हमारे पास इसके अंदर फिट हो जाता है ड्यू टू द, और यहाँ हमने फ्रिक्शन सरफेस की हुई है ताकि हमारे पास स्लिपेज अकर ना हो. ये दोनों एटलीस्ट हमने फ्रिक्शन सरफेस का मतलब है कि हमने थोड़ा खुरदरा उसको रखा हुआ है ताकि वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए. और जैसे ही हम पैडल को प्रेस करेंगे तो हम स्प्रिंग जो है स्प्रिंग पैडल प्रेस करने से स्प्रिंग उसको स्प्रिंग की हेल्प की वजह से ये इसकी इधर इस तरह लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, और जो हमारी ड्रिवन शाफ्ट है वो चलती रहे, हमारे पास ड्रिवन शाफ्ट चलती रहेगी, और ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो
वो हमारे पास वो अलग हो जाएगी क्लच से और वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या उसे रोकना चाह रहे हैं तो वो उससे रुक जाएगी. द ड्रिवन मेंबर रेस्टिंग ऑन द फीडर की इन द ड्रिवन शाफ्ट मे बी शिफ्टेड अलोंग द शाफ्ट बाय अ फॉर्क लीवर प्रोवाइडेड एट बी इन ऑर्डर टू एंगेज द क्लच ब्रिंगिंग टू कॉनिकल सरफेस इन कॉन्टेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस सेट अप एट द कॉन्टेक्ट सरफेस द टॉर्क इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर. In some cases, spring is placed around the driven shaft in contact with the hub of the driven. This holds the clutch faces in contact and maintains the pressure between them. जो हमारे पास friction surface है, इसकी वजह से इनके में ये दोनों faces आपस में contact में रहेंगे और इनमें pressure को maintain रखेगा. और हमारे पास ये क्या है? Fork lever is used for disengagement of the clutch. हमारे पास यहाँ एक fork lever use होता है for the disengagement. The contact surface of the clutch may be metal to metal, contact surface metal to metal भी हो सकती है, but more often driven member is lined with some material like wood, leather. हम driven member जो है उसको हम किसी materials के साथ line किया होता है, यानी कि friction lining होती है जिसमें wood, leather होता है. तो दोनों cones का एक ही material हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो जो ड्रिवन मेंबर है उसमें हम वुड, लेदर, कॉर्क और एस्बेस्टोस हम उसके मटेरियल की लाइनिंग करते हैं ताकि उनमें स्लिपेज अकर ना हो, वो एक दोनों को टाइटली हेल्ड हो जाएं और हमारे पास पावर ट्रांसमिशन हो. देन वी विल स्टडी द सेंट्रीफ्यूगल क्लच. सेंट्रीफ्यूगल क्लच की ये आपके पास नजर आ रही है शेप, इसमें आपके पास क्या लगे हुए हैं? सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है? ये मोटर पुलिस वगैरह में यूज होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्यूज. ये देखें इसमें नंबर ऑफ फ्यूज लगे हुए हैं. ये आपको ये देखें 1, 2, 3, 4 इसमें 4 नंबर ऑफ फ्यूज हैं. इट कंसिस्ट ऑफ शू इनसाइड रिम ऑफ ऑन द इनसाइड रिम ऑफ द पुली. और ये जो प्लस साइन है ये शो कर रहा है कि यहाँ शाफ्ट मोटर ये मोटर से ड्रिवन है और ये शाफ्ट मूव कर रही है. और ये आपके शूज लगे हुए हैं. The outer surface of the shoe are covered with friction lining material. जो हमारी outer surface है ये वाली जो red red linings ये show रही करी है, ये lining material से लगी friction lining material इस पे लगा हुआ है. These shoes which can move radially in guides are held against the boss on the driven shaft. यहाँ हमारे पास ये जो guides हैं, ये जो इसकी ये हैं, इनको उन्होंने क्या कहा हुआ है? Guides कहा हुआ है. इन्होंने दिखाया है नहीं है. तो ये जो हमारे पास हैं ये guides हैं. Guides are held against the boss or spider on the driven shaft. और ये हमारे पास boss या spider है, इनके अंदर fit है, ठीक है? The spring exert a readily inward force which is only, और इनकी किस principle पे act करते हैं? Centrifugal principle. Centrifugal principle क्या है? अगर हम एक thread के साथ पत्थर को बांध के घुमाएं तो वो outward direction में move करेगा. हमारा जो stone है वो outward direction में move करेगा. That is the centrifugal force होगी जिसकी वजह से वो outward direction में move करेगा. इसी तरह जब हम मोटर को चलाएंगे तो हमारे शूज जो हैं ये जो आउटर रिम है ये इसकी तरफ मूव करेंगे और इसकी तरफ जाएंगे. और ये जो मैग्नीट्यूड होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड करेगी स्पीड, जिस स्पीड से हमारा शू को रिवॉल्व करेगा. जैसे ही हम मोटर को चलाएंगे तो हमारे पास ये क्या है, ये शू भी रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. और शू जो है इनकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो हमारी रिवॉल्विंग फोर्स पे डिपेंड करेगी. स्पीड एट विच द शूज रिवॉल्विंग, जिस स्पीड से शू रिवॉल्व करेंगे उसी तरह वो बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे. द शू रिमेन्स इन द सेम पोजीशन व्हेन द ड्राइविंग शाफ्ट वाज स्टेशनरी. जब ड्राइविंग शाफ्ट हमारी स्टेशनरी होगी तो शू जो है वो रिमेन सेम उसी पोजिशन में. जब हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है लेस देन द स्प्रिंग फोर्स से लेस होगी, द शू रिमेन इन द सेम पोजिशन. हमारे शू जो है वो एक ही पोजिशन में रहेंगे. जब हमारी when the driving shaft was stationary, but when the centrifugal force is equal to spring force, the shoe is just floating. When centrifugal force exceeds the spring force, जब हमारी centrifugal force है वो exceed कर देगी spring force से, shoes जो है वो outward move करेंगे और जाके rim को साथ उसके साथ लगेंगे and come into contact with the driven member. और driven member के साथ contact में आ जाएंगे and pressed against the force which the shoe pressed against the driven member is difference of the centrifugal force and the spring force. This increase of the speed causes the shoe to press harder and enable more torque to be transmitted. जैसे ही ज़्यादा centrifugal force, जैसे ही motor ज़्यादा move करेगी तो ये इसके साथ connect करेंगे और power transmission होगी. जैसे ही हमारी motor कम move करेगी centrifugal force will be less than the centrifugal force will be less than the force of the spring.
देन तो हमारे पास पावर ट्रांसमिशन नहीं होगी। कि हमारे आपके पास जो लाइनिंग है, हमारे पास फैराडोर की लाइनिंग यूज हुई है, ये आपकी कवर प्लेट है, और ये जो आपको है ये इन्होंने स्पाइडर हैंड्स, ये इन्होंने ये वाला जो ये जो केसिंग है जो इनको इन्होंने जोड़ी हुई है, डेट इज द स्पाइडर। अब एम इज स्मॉल, एम इज द मास ऑफ ईच शू, एन इज द नंबर ऑफ शू। हमारे पास जितने कितने शूज हैं, हमारे पास 3 भी शूज हो सकते हैं, हमारे पास 4 शूज भी हो सकते हैं। तो हमारे पास इन डिजाइनिंग सेंट्रीफ्यूगल क्लच इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द वेट ऑफ शू। हमें वेट ऑफ द शू पता होना चाहिए, साइज ऑफ द शू पता होना चाहिए, हमें स्प्रिंग की डायमेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द शू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पाइडर। ये जो आर है ये हमारे पास डिस्टेंस है, जी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है, फ्रॉम द आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्रॉम शू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पाइडर के सेंटर से लेके हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक डिस्टेंस है, डेट इज आर। और कैपिटल आर इज द इनसाइड रेडियस ऑफ द पुली रिम, और कैपिटल आर जो है वो इनसाइड रेडियस है पुली रिम, यानी कि पूरा जो रिम है, मैंने आपको ये कहा था ये वाला जो रिम है हमारा पूरा आउटर रिम का जो रेडियस है डेट इज आर रेडियस, कैपिटल आर। ओमेगा इज द एंगुलर रनिंग स्पीड हम ऑफ द पुली इन रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है, और ओमेगा वन है एट विच एंगेजमेंट, जिसमें हमें एंगेजमेंट हो जाए, हमारे पास आपस में ट्रांसमिशन ड्रिवन और ड्राइविंग शाफ्ट आपस में मिल जाए, दैट्स द ओमेगा वन। और म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शू एंड रिम, और ओमेगा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शू एंड रिम है। अब हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या है, पी सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम हमारे पास मास है, और ओमेगा स्क्वायर एंगुलर स्पीड है, और आर हमारे पास रेडियस है। ये हमने उस फार्मूले को यूज करके हमारे पास इनवर्ट फोर्स निकाली है, आउटवर्ड रेडियल फोर्स, ठीक है। आउट हमारे पास द इनवर्ट फोर्स जो है बिफोर विच द एंगेजमेंट बिगेंस टू टेक, जहां एंगेजमेंट होना स्टार्ट होती है ये इनवर्ट फोर्स है पी एस, और जहां हमारे पास आउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच द शू प्रेस्ड अगेंस्ट ना, और नेट आउटवर्ड रेडियल फोर्स हमने उसको निकाल के उन दोनों को आपस में माइनस करके हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, और फ्रिक्शन टार्क हम यहाँ से निकालेंगे, और टोटल फ्रिक्शन टार्क ट्रांसमिटेड। और ये हमारे पास साइज ऑफ शू का है, एल इज द कॉन्टेक्ट लेंथ ऑफ द शू, बी इज द विड्थ ऑफ द शू, और इज द कॉन्टेक्ट रेडियस ऑफ द शू, इट इज सेम एज द इनसाइड रेडियस ऑफ द रिम ऑफ द पुली, एंगल सबटेंडेड बाय द शू एट द सेंटर ऑफ द स्पाइडर इन रेडियन, पी इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द शू, और ये हमारे पास थीटा आ जाता है रेडियन, द रेडियल क्लियरेंस बिटवीन द शू एंड रिम, जो हमारे पास रेडियल क्लियरेंस शू और रिम में है वो अबाउट 1.5 मिलीमीटर है। सिंस दिस क्लियरेंस इज स्मॉल एज कम्पेयर टू आर, देयरफॉर इट इज नेग्लेक्टेड टू डिजाइन प्रोसेस। हाउएवर इफ रेडियल क्लियरेंस इज गिवन देन द ऑपरेटिंग रेडियस ऑफ द मास सेंटर ऑफ द शू फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द क्लच, ये हमारे पास दिया हुआ है। देन वी हैव डायमेंशन ऑफ द स्प्रिंग,